जो है कुलाम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दो चार्ज पार्टिकल्स के मल्टीपल के और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी F इक्वल्स टू K अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K आपका एक कूलॉम कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 इक्वल्स टू 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्स स्क्वायर। ये होती है आपकी के की वैल्यू होती है, जहां एप्सिलेंट जीरो एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाता है, यानी मीडियम में आपके दोनों चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं। फिर अपन ने जो है इस कूलॉम्स लॉ का जो है वेक्टर नोटेशन जो है अपन ने देखा था। उस वेक्टर नोटेशंस में अपन ने जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। यानी एक चार्ज पार्टिकल के कारण किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शंस क्या होगा, वह अपन ने जो है कूलॉम्स के वेक्टर फॉर्म से अपन ने देखा था। यदि दोनों चार्ज पार्टिकल्स अगर लाइक है यानी सेम है, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव है और उन पर मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनके फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये मैंने कल आपको प्रूफ करके भी बताया था। यानी F12 = -F21 और मैंने इसका जो है वह वेक्टर फॉर्म भी मैंने आपको बताया था। आज अपन जो है वह टॉपिक जो है इस पर डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लास 11th में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, और कूलॉम्स जो फोर्स है कूलॉम्स लॉ के रिस्पेक्ट में जो फोर्स लग रहा है उसका कंपेरेटिव एनालिसिस जो है अपन यहाँ पर देखेंगे। कंपेरेटिव एनालिसिस जो है अपन यहाँ पर Fe और Fg के बीच में जो है अपन कंपेरेटिव एनालिसिस को यहाँ देखेंगे। Now, today our topic is electrostatic force, electrostatic force, यानी Fe, and gravitational force. Fg, electrostatic force and gravitational force का comparative analysis में यहाँ आज अपन देखेंगे। मान लीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक चार्ज पार्टिकल जो है आपके Q1 है और एक चार्ज पार्टिकल जो है आपके Q2 प्लस और प्लस है। तो चार्ज पार्टिकल्स है, इन चार्ज पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो आर है। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। चार्ज पार्टिकल Q1 का मास m1 है और चार्ज पार्टिकल्स Q2 का मास m2 है। Here, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe कितना होगा इनके बीच में, वह होगा आपके पास K × Q1 Q2 / R², यही होता है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कूलॉम्स लॉ है। आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स Fg कितना होगा, वह होगा G, ठीक है, इनटू m1 m2 / R², ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपन ने पढ़ा था आपके क्लास 11 में Fg, वेयर के इक्वल्स टू आपने कहलाता है कूलॉम्स कांस्टेंट, कूलॉम्स
कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻¹। एक वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर टू कूलॉम स्क्वायर, ये होती है के की वैल्यू। जी आपका कहलाता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹¹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस फर्स्ट ये होता है आपके पास, Fe equals to A given upon Q into R square, Fe equals to J given upon M into R square. Now we consider second comparative analysis. आप हमेशा ध्यान रखना Fe is always always greater than to Fg. Fe is always greater than to Fg. ये भी आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि Fe और Fg, Fe एक पार्टिकल पर लगता है जबकि Fg एक ऑब्जेक्ट पर लगता है, तो ऑब्जेक्ट अपन यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं जबकि Fe इज कंसीडरिंग ओनली पार्टिकल्स, ठीक है। फिर थर्ड जो उसका पॉइंट होगा वह होगा आपके पास कि Fe में एट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स कंसीडर किए जाते हैं, Fe अलाउ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल दोनों पॉजिटिव है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ही अलाउ होता है, ओनली अलाउ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इट्स अलाउ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। Fe में फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, जबकि Fg इट्स अलाउ ओनली, इट्स अलाउ ओनली फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इट्स अलाउ ओनली फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ही अलाउ होता है। ये हो गया आपके पास कंसीडर हो गया इसका कंप्लीट एनालिसिस। थर्ड फोर्थ कंपैरेटिव एनालिसिस जो होगा, फोर्थ जो कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, क्लियर कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलाउ इन पार्टिकल्स बिटवीन टू पार्टिकल्स अलाउ इन पार्टिकल्स बट एफ ई एफ जी यूज इन एफ ई यूज इन ऑब्जेक्ट होल ऑब्जेक्ट होल पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। फिर जो कंसिडर किया जाता है वह होगा आपके पास डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम, ठीक है, एफ ई डिपेंड्स ऑन द मीडियम, एफ ई डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मीडियम पे डिपेंड्स होता है आप जानते हैं 1/4 πε₀, एप्सिलॉन जीरो क्या है एब्सोल्युटली इन एयर, या एप्सिलॉन जीरो की जगह एप्सिलॉन एम भी अपन लिखते हैं तो वो अपन मीडियम की जो है वो परमिटिविटी वहां पर कंसीडर की जाएगी, तो एफ ई डिपेंड ऑन द मीडियम, वो मीडियम पे डिपेंड होता है, ठीक है, जबकि जो है एफ जी नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, नॉट डिपेंड on the medium, वह medium पे depend नहीं होता है। आई बात समझ आपको, तो F depend on the medium, Fg not depend on the medium,
ठीक है। फिफ्थ जो कंसिडर किया जाएगा, सिक्स कूलम्स लॉ एक स्टैटिक चार्ज पर डिपेंड होता है। अपने जानते हैं कि जब अपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक चार्ज कैसा है, स्टेट या रेस्ट में है। कूलम्स लॉ आर इंप्लीमेंट इन कूलम्स लॉ यूज विद स्टैटिक चार्ज। कूलम्स लॉ यूज विद स्टैटिक चार्ज। कूलम्स लॉ यूज विद स्टैटिक चार्ज, ठीक है। सेवन, अब दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वह होगी 10^-5 मीटर, 15 मीटर्स, 10^-15 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, क्लियर। जबकि आपके पास जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में नहीं होता है, मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज 10^-5 मीटर, 10^-15 मीटर्स होनी चाहिए, तभी कूलम्स लॉ जो है इंप्लीमेंटेशन होगा। जबकि ग्रेविटेशन फोर्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्लियर। तो यहाँ पर कुछ जो है वो कंपेरेटिव एनालिसिस जो है यहाँ पर ये पढ़े कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में कंपेरेटिव एनालिसिस क्या होता है। तो पहला यही होता है, अपन जानते हैं F equals to A q1 upon q2 into r square, और Fg कितना होता है, G m1 upon into m2 upon r square होता है, जबकि आपका कूलम्ब कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9×10^9 मीटर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यानी कि G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67×10^-11 मीटर मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दूसरा, F is always greater than 2, Fg होता है। तीसरा पॉइंट होता है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स में सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, क्लियर। फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, Fg allow in particle, जबकि Fg आपके कंप्लीट ऑब्जेक्ट पर भी हो सकता है, आपके अर्थ और मून के बीच में भी Fg हो सकता है। Now Fg depends on the medium, जबकि Fg मीडियम पे डिपेंड नहीं होता है, आपके फॉर्मूले से भी अपन इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ है यूज विद स्टैटिक चार्ज, चार्ज कैसा होना चाहिए, स्टैटिक चार्ज होना चाहिए, जबकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह मोशन में भी हो सकता है, यानी आपके जो है वह अर्थ और मून की बात करें तो अर्थ अपने आप में मोशन में है, मून भी अपने आप में मोशन में है, तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज 10^-15 मीटर्स होनी चाहिए, क्लियर। तो ये कुछ जो है आपके कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है, इसी के बारे में जो है आपने जो है यहाँ पर डिस्कस किया, क्लियर। तो ये होता है कंपैरेटिव एनालिसिस, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वह पर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। फर्स्ट प्रॉब्लम्स है आपके पास एक हाइड्रोजन एटम्स है, क्लियर। एक हाइड्रोजन एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन्स, दो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन्स पर एक हाइड्रोजन एटम है, एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, इसमें एक तो हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और एक हो गया आपके पास प्रोटॉन्स, इनके बीच की डिस्टेंस जो आपको दे रखी है वह दे रखी है 5.3×10^-11 मीटर, ये इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, दोनों फोर्स आपको कैलकुलेट करने हैं और उनके बीच में आपको
कंपेरेटिव एनालिसिस भी करना है, यानी कितना ज्यादा होगा। तो अपन जानते हैं कि यहाँ एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स और एक पार्टिकल है प्रोटॉन। प्रॉब्लम आपको ये रखी है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स। द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज 5.3 × 10⁻¹⁻ मीटर। ये आपको प्रॉब्लम दे रखी है। तो हाइड्रोजन पार्टिकल्स में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की यहाँ पर बात की जाएगी, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो अपन जानते हैं कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³¹ kg। मास ऑफ द प्रोटॉन 6.67 × 10⁻²⁷ kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। क्लियर? ये सारी चीजें ध्यान है। मास ऑफ द प्रोटॉन अपन को पता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपन को पता है, इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज कितना है, ये दोनों वैल्यू जो है अपन जो है वो यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 × 10⁻²⁷ होता है। तो अब यहाँ पर जो है कंसिडर किया जाए इन वैल्यू को, तो यहाँ पर कैसे होगा? सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट वी कैलकुलेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना होगा? 1/4πε₀Q1 × Q2/r². ये होगा आपके पास फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ अपन जानते हैं वैल्यू Fe=9 × 10⁻¹⁹ Q1 यानी चार्ज ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ दी Q2 कितना होगा? चार्ज ऑफ दी प्रोटॉन्स। 1.65 × 10⁻¹⁹ कूलम्स इनटू चार्ज ऑफ दी प्रोटॉन 1.65 × 10⁻¹⁹ कूलम्स अपॉन R कितना है आपके पास? 5.3 × 10⁻¹⁰ मीटर्स। तो ये होगी आपके पास R 5.3 × 10⁻¹⁰ मीटर्स हो गया, यानी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ये हो गया आपके पास स्क्वायर हो गया, ये आ गया आपके पास Fe, ये हो गया आपके पास Fe। इस Fe की कैलकुलेशन करने पर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूं, जो है वो आपके पास Fe आया 8.2 × 10⁻¹⁹ न्यूटन्स। आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो Fe की वैल्यू कितनी आएगी? -8 न्यूटन्स आ जाएगी, घटता Fe हो जाएगा। Now we calculate Fg, force of gravitational between electrons and proton and hydrogen atoms में कितना लगेगा? Fg, now we consider Fg, in the end time we consider Fg, so g into m1 यानी mass of the electrons और m2 यानी mass of the protons and distance between, यही होता है आपके पास Fg equals to mass of the protons। Clear? अब इसकी जो है वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं, जी की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है? जी इक्वल्स टू होता है आपके पास 6.67 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होगा आपके पास जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁰। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दू तो आपके पास कितना आएगा? 6.67 × 10⁻¹⁰। अब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? यही मैंने आपको बताया 9.1 × 10⁻¹⁹ मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 × 10⁻¹⁰ और डिस्टेंस आपके पास आ गई वो कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5.3 × 10⁻¹⁰ 5.3 × 10⁻¹⁰ का स्क्वायर हो जाएगा। दैट द प्रॉब्लम्स। नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन एंड सॉल्व दिस डेरिवेशंस, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2.27 × 10⁻¹⁹ 2.27 × 10⁻¹⁹
39 न्यूटन आ जाएगा। अब इनका कंपैरेटिव एनालिसिस अगर अपन करें तो आपके पास कितना आएगा, एफ ई अपॉन एफ जी की यहाँ पर बात करें तो आपके पास एफ ई कितना है, आपके पास 8.2 × 10⁻¹ लेफ्ट, और एफ जी आपके पास आ जाएगा 2.27 × 10⁻¹⁹ न्यूटन हो जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो एफ ई इज कंपेरेटिव टू मोर देन टू एफ जी, यही चीज जो है मैंने यहाँ आपको बताई थी, यानी एफ ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू एफ जी। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से जरूर देखिए। यानी क्या देता है, हाइड्रोजन एटम देता है, तो इस हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रॉब्लम होता है जिनके बीच की डिस्टेंस आपके पास इतनी भी रहती है, तो कैलकुलेट करना है कि एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा और एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। इलेक्ट्रो अपन इसके लिए मास पार्टिकल कौन कौन से आपके पास, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन है, क्यों, क्या आपको हाइड्रोजन एटम दे रखा है, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन होता है, तो वो इन्हीं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी दो पार्टिकल के बीच में लगेगा। तो एम ई एन पी ई और पी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है। फिर अपन जानते हैं कि एफ ई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई 1/4π₀Q₁Q₂r² तो यहां पर Q₁ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, Q₂ क्या है, प्रोटॉन है, इनका चार्ज मैंने यहां पे पुट कर लिया, 1/4π₀ की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर ली, डिस्टेंस ये पुट कर ली, इसको सिंपलीफाई किया, रिजल्ट आया आपके पास एफ ई इक्वल्स टू 8.2 × 10⁻¹ मीटर। अब नाउ नेक्स्ट कैन कैलकुलेट एफ जी इक्वल टू जी इनटू एफ ई, एफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन, इनकी वैल्यू मैंने पुट की, इनको सॉल्व किया है। अब इनका कंपैरेटिव एनालिसिस अपन करेंगे तो आपके पास जो है इनकी वैल्यूज आ जाएगी, तो ऑलवेज एफ ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू एफ जी। क्लियर, नाउ वी कंसीडर सेकंड प्रॉब्लम्स। सेकंड प्रॉब्लम्स देखिए, प्रॉब्लम्स आपको दे रखी है कि टू पॉजिटिव आयंस ऑफ सेम चार्ज रिपल ईच अदर बाय फोर्स ऑफ 3.7 × 10⁻¹ न्यूटन व्हेन दे आर 5 एंगस्ट्रॉम्स अपार्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस ऑन ईच आयंस कंपेयर टू देयर न्यूट्रल एटम स्टेट। पता है आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उस पर चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द क्यू वैल्यू, क्या कैलकुलेट करना है, क्यू वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये कह रहा है प्रॉब्लम नंबर सेकंड आपको दे रखी है कि प्रॉब्लम नंबर सेकंड क्या दे रखी है, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, दो चार्ज पार्टिकल्स है, इन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपको गिवन है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को कितना दे रखा है, 3.7 × 10⁻¹ न्यूटन दे रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वह दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम्स, यानी आर आपको दे रखा है, वह दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम, देन कन्वर्ट इनटू द मीटर, तो 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻¹⁰ होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 10⁻¹⁰ मीटर, ये आपको दे रखा है। दूसरी कंडीशन, दो चार्ज पार्टिकल Q₁ = Q₂ लेट क्यू आर इक्वल है, इक्वल दे रखा है, अब इनके बीच में रिपल सम हो रहा है, इसका मतलब या तो दोनों कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं या आपके दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू कितना होगा वही अपन को कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, दो चार्ज पार्टिकल्स है, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लग रहा है, 3.7 × 10⁻¹ न्यूटन लग रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है r = कितनी दे रखी है, 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो वह कितनी है, 5 × 10⁻¹ मीटर है, तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल पर चार्ज कितना है, q है, इक्वल चार्ज पार्टिकल आपको क्या रखा है, तो इस q की वैल्यू कितनी होगी, यही अपन को कैलकुलेट करना है। तो बाय यूजिंग कूलम्स लॉ एफ ई इक्वल्स टू कितना आएगा, के इंटू Q₁ / Q₂ × r² के इक्वल्स टू इतना है, के की वैल्यू यहां पर पुट कर ले 9 × 10⁻¹⁰
9 into q1 और q2 both are equal, तो ये भी q into q upon r, r कितना हो गया 5 into 10 to the power minus 10 और f आपको कितना दे रखा है 3.7 into 10 to the power minus 9 newtons दे रखा है. We have to calculate q. q into q, q square हो जाएगा, यानी आपके पास q square equal से कितना आया 3.7 into 10 to the power minus 9 into 5, ये 5 का चला जाएगा, into 10 to the power minus 10 upon ये 9, नीचे आ जाएगा 9 into 10 to the power 9, इसको simplify किया, तो आपके पास q आ जाएगा, इतने कूलम्स आ जाएगा. तो there are simple problems है, you have to calculate the value of q. Yes, simple problems है. Now we consider next problems क्या आपको दे रखी है. Next problems भी अपन जो है discuss करते हैं. Third problem जो है इसी के बारे में अपन यहाँ पर अपन समझते हैं. इस problem को solve करके आप q की value निकाल सकते हैं. Next problems अपन यहाँ पर consider करते हैं. तो problems है, वो problems मैं आपके सामने discuss करता हूँ. A point charge प्रॉब्लम से आपके पास थर्ड प्रॉब्लम्स ठीक है, जो गिवन है उसको ए पॉइंट चार्ज जिस पर चार्ज कितना है q1 इक्वल्स टू 2 माइक्रो कूलम्स ये आपको दे रखा है ठीक है. लोकेट एट जिसकी पोजीशन जो है आपको दे रखी है, पोजीशन आपको दे रखी है, वह दे रखी है 2 मीटर और 1 मीटर के पोजीशन आपको कहां पे दे रखी है 2 मीटर्स एंड 1 मीटर्स और अनदर पॉइंट चार्ज q2 ये आपको दे रखा है अनदर पॉइंट चार्ज q2 जिसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 5 माइक्रो कूलम्स आपको दे रखा है और इस पॉइंट चार्ज की जो पोजीशन है वह भी आपको दे रखी है वह आपको कितनी दे रखी है माइनस 2m और 4m ये आपको पोजीशन दे रखी है. तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन q2 ड्यू q1 ये प्रॉब्लम्स आपको दे रखी है. कैलकुलेट द फोर्स q2 ड्यू on q1 यही आपको जो है प्रॉब्लम्स आपको दे रखी है. इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से देखना ठीक है. इस प्रॉब्लम्स में जो है वो वेक्टर नोटेशंस को कंसीडर किया जाएगा. जो प्रॉब्लम्स आपको दे रखी है उसी प्रॉब्लम्स के रेस्पेक्ट में मैं यहां पर उसका एक वेक्टर पोजीशन बना लेता हूं. देन आई टू कंसीडर वेक्टर पोजीशंस इसी प्रॉब्लम्स को अपन यहां पर समझते हैं. उसी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग मैं यहां इसका क्या बना लेता हूं एक वेक्टर पोजीशंस को यहां पर समझता हूं. एक चार्ज आपको दे रखा है 2 माइक्रो कूलम्स दैट दैट इज दी q1 ठीक है. ये चार्ज मेरे पास q1 है ठीक है और इस चार्ज की पोजीशन कितनी है 2 x एक्सिस पर कितना है 2m है y एक्सिस पर 1m है. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2i कैप प्लस j कैप ये पोजीशन वेक्टर होगा इसका. देखिए 2m और 1m x और y एक्सिस पर है तो यहां पर x एक्सिस पर तो 2 और y एक्सिस पर 1 है तो ये इसकी एक पोजीशंस आपको दे रखी है. यानी यहां से इसका जो पोजीशन वेक्टर है मान लीजिए कि वह r1 है. पोजीशन वेक्टर है r1 तो यहां पर आपका पोजीशन वेक्टर r1 आपके कितना आ गया 2i कैप प्लस j कैप अकॉर्डिंग टू पोजीशंस ठीक है. नाउ अनदर जो पार्टिकल्स आपको दे रखा है वो आपको q2 इक्वल्स टू -5 माइक्रो कूलम्स है उसकी पोजीशन कौन सी है माइनस का 2m और प्लस का 4m है. तो यानी y एक्सिस आपका प्लस का 4m है और x एक्सिस आपका माइनस का 2m है. तो ये वाली पोजीशन यहां पर होगी आपके पास. ये आपके पास क्या हो जाएगा q2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो माइनस का 2m यानी माइनस का 2i कैप प्लस
4 j cap हो जाएगा ये, यानी यहां से ये इसकी पोजीशन वेक्टर जो है वो होगी आपके पास r2 cap, पोजीशन वेक्टर r2 cap, यानी यहां से आपके क्या आ जाएगा r2 cap हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का 2i cap प्लस 4 j cap, यही इंपॉर्टेंस है इसमें, माइनस का 2i cap प्लस 4j cap। अब इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट इज द फोर्स, मुझे किसका फोर्स निकालना है, q2 ड्यू टू q1, यानी q2 ड्यू टू q1, यानी ये वाला जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यही अपन को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यानी यहां पर जो वेक्टर नोटेशन आ जाएगा तो इसी का अपन जो है वो वेक्टर नोटेशन मैं अपन वैल्यू पुट करें। नाउ F21, F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू चार्ज Q1, यही होगा आपके पास F21, मान लीजिए इक्वल्स टू कितना होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2 अपॉन R2 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब, और यहां पर हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। यही मैंने आपको जो है वेक्टर नोटेशन आपको मैंने कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया था, कूलॉम्स लॉ का जो है वो वेक्टर नोटेशन जो है मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं। देन आउटपुट दी वैल्यू 1 upon 4 pi epsilon 0, तो कितना हो जाएगा 9 into 10 to the power minus 10 to the power 9, Q1 कितना है आपके पास 4 micro coulombs, 2 into 10 to the power minus 6 coulombs into Q2 charge आपके पास कितना रहेगा, आपके पास 5 micro coulombs, यहां पर negative charge भी लेना है क्योंकि अपने force of attraction या force of repulsion होता है, तो 5 into 10 to the power minus 6 माइक्रो कूलम्स अपॉन, अब यहां R2 माइनस R1 को यहां पर आपको कैलकुलेट करना है, यानी R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, R2 आपके पास कितना है, R2 आपके पास आ गया माइनस का 2i कैप प्लस 4 j कैप, माइनस R1 हो गया आपके पास 2i कैप प्लस j कैप, तो यहां से माइनस का 2i कैप और माइनस का 2i कैप कितना हो गया, माइनस का 4i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 4j कैप, तो प्लस का 3j कैप। वेक्टर एडिशंस की यहां पर अपन बात की जाती है, तो R2 माइनस R1 आपके पास ये आ जाएगा, तो इसका जो है वैल्यू अपन यहां पर पुट कर लेंगे R2 माइनस R1, तो ये आ जाएगा आपके पास R2 माइनस R1 माइनस का 4i कैप प्लस 3j कैप, और इसकी जो है वो R2 माइनस R1 का अपन क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालकर इसको सॉल्व कर देंगे। तो यानी यहां पर आपको वैल्यू पुट करके एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकालनी है वेक्टर नोटेशन से, तो इस प्रकार जो ये प्रॉब्लम्स आपको आगे से कुछ प्रॉब्लम से इसको सिंपलीफाई करना है। तो यहां पर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से देखना है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है, एक चार्ज q1 है जिसकी पोजीशन का पर है 2m और 1m, ये चार्ज q1 हो गया जिसकी पोजीशन ये होगी 2i के प्लस j के, एक चार्ज q2 है जिसकी पोजीशन का पर है -2m और 4m, माइनस यानी x एक्सिस माइनस हो गया, y एक्सिस आपका पॉजिटिव, ये वाली पोजीशन होगी आपके पास, तो आपके पास इस q2 पर q1 के कारण जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। अब जो वेक्टर नोटेशन यहां पर इस तरीके से जो आपके पास क्या जाएगा r2 माइनस r1 हो जाएगा, ये मैंने आपको वेक्टर नोटेशन में ये वाला जो है फार्मूला यहां पर यूज में लिया है। अब अगर कि आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कैलकुलेट द फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2, तब यहां पर आपका वेक्टर नोटेशन r1 माइनस r2 हो जाएगा, यही आपको ध्यान में रखना है, वेक्टर नोटेशन क्या हो जाएगा r1 माइनस r2 हो जाएगा, इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम्स है कि
किस तरीके से अपन वेक्टर नोटेशन को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें जो समझने के लिए वो इम्पोर्टेंस है आपका डायरेक्शन कितना होगा और जो आपको कौन सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर वेक्टर फॉर्मूला फोर्स का वो लेना है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंस रहेगा। ठीक है, नाउ वी कंसीडर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपके पास, एक और प्रॉब्लम से उसी प्रॉब्लम जो है डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल चार्ज इज डबल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल चार्ज इज डबल, ठीक है, तो इंडिविजुअल चार्ज इज ऑल्सो डबल, तो फोर्स कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। प्रॉब्लम नंबर फोर आपको दे रखी है, इनिशियली आपके पास चार्ज एक क्यू है और अनदर चार्ज इज क्यू, ये आपको दे रखा है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आर है। तो अपन जानते हैं इसके बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स कितना होगा, के इनटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। क्लियर, ये होता है कि दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इसकी डिस्टेंस जो है आर इक्वल्स टू की जगह कितनी हो जाए 2R हो जाए, R इक्वल्स टू कितना हो जाए आपके पास 2R हो जाए और जो चार्ज Q है सभी जगह वो कितना हो जाए 2Q हो जाए, चार्ज Q जो है वो कितना हो जाए आपके पास 2Q हो जाए, तब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना होगा, यही आपकी एक प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन जानते हैं कि Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तब यहाँ पर जो है F E इक्वल्स टू K, ठीक है, F E वन K और यहाँ पर Q की जगह में क्या पुट कर लूँ 2Q, ये कह रहा चार्ज क्या हो जाए आपके पास डबल हो जाए और डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाए डबल हो जाए, तो यानी 2R की आपकी जगह 2R स्क्वायर यहाँ पर कैलकुलेट करें तो आपके पास कितना आ जाएगा कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट देखिए कोई भी चेंज नहीं होता है, चार्ज डबल किया तो डिस्टेंस डबल हो गई तो फोर्स तो सेम ही लगेगा, दैट द आंसर। अब यदि आपके पास जो है Q इक्वल्स टू आपके पास हाफ पाई क्यू लग गया, यानी चार्ज हाफ कर दिया, चार्ज कितना किया हाफ किया और डिस्टेंस आर जो है वह उतनी ही रखी, डिस्टेंस आर जो है वह आर ही है, नो चेंज द डिस्टेंस, पर चार्ज दोनों को कितना हो गया हाफ हो गया, यहाँ पर क्यू था तो क्यू की जगह कितना आ गया क्यू बाई क्यू हो गया और यहाँ पर क्यू था तो इस क्यू की जगह कितना आ गया आपके पास Q by 2 हो गया, यानी यहाँ पे चार्ज आपका कितना हो गया हाफ हो गया। उस केस में आपके पास F E कितना आ जाएगा K, Q की जगह कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा Q by 2 का स्क्वायर और डिस्टेंस आपकी कितनी है R ही है, ठीक है, तब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब आपके पास K Q स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, यानी आपका जो फोर्स लगेगा जो पहले एक्टिंग फोर्स था उसका 1/4 times चेंज हो जाएगा, यानी यह फोर्स कितना चेंज होगा 1/4 times जो है वह चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशंस, ये थी आपके पास सेकंड कंडीशंस। थर्ड कंडीशंस को अपन जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यदि आपके पास Q इक्वल्स टू कितना हो जाए डबल हो जाए और R Q इक्वल्स टू कितना हो जाए आपके पास 2Q हो जाए और R इक्वल्स टू आपके पास R ही रहे, उस केस में आपका F E कितना हो जाएगा Q की जगह K, Q की जगह कितना हो जाएगा 2Q स्क्वायर और R की जगह आपके पास कितना हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। F equals कितना जाएगा 4K Q square upon R square, इसका मतलब क्या हुआ जो 4 times जो है पहले का existing force उससे ज्यादा हो जाएगा, यानी यहां से आपने एक result निकाला कि charge बढ़ने पर force of attraction या force of repulsion बढ़ता है
और चार्ज कम होने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होता है, कम होता है। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था। अगर आपके पास जितने डिस्टेंस जितना चार्ज बढ़ रहा है उसी के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस भी बढ़ रही है तो फोर्स बिटवीन दी टू चार्ज कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास चार्ज हाफ हो रहा है डिस्टेंस वही है तो फोर्स आपका 1/4 टाइम्स एग्जिस्टिंग फोर्स से कम हो जाएगा। यदि आपके पास चार्ज बढ़ रहा है डिस्टेंस वही है तो जस्ट डबल होने पर आपका फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। और यही रीजन जो है मैंने आपको डायग्राम्स में भी बताया था कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² और E इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। और इसी रीजन को अपने यहाँ पर समझा, यानी 1/r² डिस्टेंस बढ़ने पर जो है आपका जो है फोर्स क्या होगा, कम होगा, और डिस्टेंस कम होने पर फोर्स ज्यादा होगा, चार्ज बढ़ने पर फोर्स ज्यादा होगा, चार्ज कम होने पर फोर्स कम होगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो है अपन ने यहाँ पर समझा, क्लियर। तो आज अपन ने जो है दो टॉपिक पे डिस्कस किया, एक तो टॉपिक था आपके पास कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड आपके पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सेकंड जो टॉपिक्स था बहुत ही अपन ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कूलॉम्स लॉ के बेस पर अपन ने जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, ठीक है। ओके, थैंक यू।